ये फतवा जिसके मुताबिक मुताबिक पबजी गेम में पावर हासिल करने के लिए बुतों के सामने सर झुकाना उसका अपना फेल है गेम में नजर आने वाला खिलाड़ी उसी गेम खेलने वाले का अक्का है और तर्जुमान है लिहाजा ये गेम खेलना नाजायज है और पबजी गेम में बुतों के सामने झुक कर पावर हासिल करना शर्क है और आमदन इसको करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा ऐसे शख्स पर तजदीद ईमान और अगर शादीशुदा है तो ऐसी सूरत में तजदीद निकाह भी जरूरी है क्या इस फतवे से दीगर ने दी ये मुतफक है और क्या फिर सिर्फ ये ही एक गेम ऐसा है नाजीन या मजीद खेलों के बारे में भी ऐसी ही राय है उलमा कराम की क्योंकि इसी तरह के फतवे पहले टी वी देखने के लिए आए क्रिकेट जैसे खेल के लिए आए लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उन उलमा ने अपने फतवों से रजू कर लिया देखते हैं कि इस मामले पर दीगर उलमा और जदयी टेक्नोलॉजी के लिए जिद्दोजहद करने वालों की क्या राय है और इस पर बात करने के लिए वक़ार जका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं तो खुश आमदीद कहूँगी इसके साथ मुफ्ती जुबैर साथ मुफ्ती ज़ुबैर साहब साथ मौजूद हैं मैं आपको खुशामुदीद कहूँगी मुफ्ती ज़ुबैर साहब बात का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ क्योंकि फतवा आया है इस पर आप कैसे देख रहे हैं सर इस फतवे को आपकी राय क्या है इस पर मुफ्ती साहब बसमरिम नमदूल रसोल करीम अम्मां आबादा आबाद गुजारिश ये है कि जहाँ तक पबजी गेम का ताल्लुक़ है तो शरा इसका इस्तेमाल करना और इस गेम की शरी हैसियत फ़िक्ही फतवे के अतबार से ये कि यह नाजायज़ है हराम है इससे एतराज़ करना ज़रूरी है बुनियादी तौर पर तीन बातें समझनी चाहिए कोई भी गेम खेल या बदन की वर्जिश जिस्मानी तंदरुस्ती और सेहत बाकी रखने के लिए होना चाहिए नंबर एक नंबर दो उसमें ग़लव और शदीद किस्म का इन्हमाक ना हो ज़रूरी कामों का हरज ना होकोको हुकोकल इबाद हकोकल्ला उसके अंदर मुतासर ना हो तीसरे नंबर पर उसके फ़ायदे से उसके फ़ायदे ज़्यादा और नुकसान कम हों अगर इन तीनों पहलुओं को सामने देखते हैं तो असूली तौर पर हमें नज़र आता है इस गेम से बच्चों की जहनी और जिसमानी सेहत पर इंतहा मन असर पड़ रहे हैं शदीद गुल्व और इन्हमाक की हालत होती है बच्चे को खेलने वाले प्लेयर को दाएं बाएं का भी पता नहीं होता हती के खुदकशी के वाक़ भी इससे मनसूब हो रहे हैं और ये एक नशा है जिसका आदि बन जाता है ये खेल खेलने वाला तीसरे नंबर पर इसका जो फायदा है वो कम है नुकसान ज्यादा है लिहाजा ये नाजायज है हराम है इससे बचना शराम जरूरी है फतवे के अंदर जो दो बड़ी इम्पोर्टेंट बातें की, की गई है एक तो दायरा इस्लाम से खारिज कहा गया दूसरा अगर आप निकाह शुदा है तो तजदीद निकाह भी करना जरूरी हो जाएगा तो क्या मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं ये नाजायज़ है हराम है तो ये जो दो शिके हैं ऐसा भी हो जाएगा मुफ्ती साहब नहीं इसके बारे में कुफर का फतवा लगाना ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है असल बात यह कि बटन दबा कर इसके अंदर एक ख़ास मौके पर ऐसा मंज़र आता है जिसमें पुरानी जो मम्मी है उसके सामने गोया बुत के साथ झुकने का फ़ेल अंजाम दिया जाता है यकीन ये गुनाह कबीरा है यकीन ये हराम है लेकिन एक तो बात यह है कि जो शख्स जो प्लेयर ये खेल रहा होता है वो कोई कुफ़र पे रजामंदी का इजहार नहीं, नहीं कर रहा होता जब रजामंदी का इजहार नहीं है फिर बाकायदा बिजात बिलफेल वो कोई सजदा नहीं कर रहा तो इसलिए हम इसको काफिर होने का फतवा तो नहीं लगाएंगे और ये तो हम नहीं कह सकते कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया निकाह टूट गया लेकिन इसके गुनाह कबीरा होने में कोई शुबा नहीं वकार आपने तो कानूनी जंग लड़ी है इस पर आप कोर्ट गए वहां जंग लड़ी आपने अब आप, अब आप उलमा से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप इस पर हराम के के फतवे तो खिलाफ होंगे शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला अल्लाह करे कि मैं जो बात करूं उससे जितने भी हमारे दीन हैं आप लोग हैं आप लोगों के दिलों को जीत सकूं ना के दिल आजारी कर सकू Uh, मेरी जो तहरीक है सियासी तंजीम जो मैं बनाने जा रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक टेक्नोलॉजी उसका मकसद मेरी तरफ से ये है कि शरीयत को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सामने नजर रखते हुए कि मगरब जो है वो कहे हमें भी शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी इख्तियार करनी है जैसे उन्होंने हमें इम्प्रेस कर दिया आज हम उनके तर्ज तरीके से चलने को बड़ा कूल समझते हैं तो मेरा मकसद इस पाकिस्तान तहरीक टेक्नोलॉजी के थ्रू भी यही है कि शरीय ही वो वाद जरिया है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में सुकून आ सकता है हमारी रूह को सकून मिल सकता है और अल्लाह जिसके हम गुलाम हैं उनको हम खुश कर सकते हैं मकसद यह है कि हमारे उलमा इकराम जो है उनको बहुत गुमराह किया जाता है तो इंसान ही अब आप यह देखें हिस्ट्री उठाकर देख लें प्रिंटिंग प्रेस हराम करार दे दी गई पूरा तर्की एक तरफ हो गया बर्बाद हो गया टेक्नोलॉजी इधर से उधर हो गई टीवी को एक दफा हराम कह दिया गया टीवी सब्जी मंडी पे तोड़ दिए गए बाद में टीवी चैनल खोले गए कह दिया गया जी YouTube जो है ये हराम है Facebook पे जाना हराम है आज YouTube पे दर्ज चल रहे होते हैं और उस पर अमेरिका में यहां वहां नामहरम मर्द औरत के इंटरेक्शन के इश्हारा आते हैं शराब के इश्हारा भी इनके दर्शों पे आ रहे होते हैं इनको नहीं पता होगा और उससे पैसे कमा रहे हैं ये लोग कमा रहे हैं जिसमें मुफ्ती साहब का नहीं है फतवे की डेफिनेशन तमाम लोग समझ लें फतवे का मतलब है कि किसी बंदे ने आके मुफ्ती साहब से पूछा कि ये एक सिचुएशन है आप इसमें क्या फरमाते हैं उन्होंने गेम नहीं खेली उनको किसी ने आके बताया और उसके ऊपर उन्होंने कहा कुरान और सुन्नत की रोशनी में बुद्ध के सामने सजदा करना गलत है कुफर है और बिल्कुल सही बात है इसकी वजह से निकाह टूट जाएगा सही है लेकिन देखना यह पड़ेगा कि जो बंदा इनके पास गया वो बंदा कौन है उसको सामने लाए आप कह रहे हैं कि बगैर तस्दीक दे दिया गया है तो अब आप जाएंगे बगैर तस्दीक के बगैर तस्दीक के नहीं जिसने मालूम पहुंचाई गई अब जैसे आपको आके किरण अगर कोई कह देता है कि आपका हस्बैंड जो है किसी के साथ चीट कर रहा है और आप फतवा लगा दे नहीं भी तुम घर में नहीं घुस सकते ऐसा तो नहीं होगा ना आप तहकीक करेंगी लेकिन जिसने आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाई ये जो हमारे मुफ्ती हजरात के इमेज खराब कर रहे हैं इस्लाम का इमेज खराब कर रहे हैं जो ये इंफॉर्मेशन लेकर गया उलमा के पास उसको पकड़ो ये हिस्ट्री है मुसलमानों की के मु, उल्मा के उलमा पास पास मुफ्ती साहब गलत इंफॉर्मेशन लेके ये पहुंच जाते हैं यहूदियों के एजेंट और <coughs> गलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में देते मुफ्ती साहब ने तो सही बोला कुरानो सुन्नत की रोशनी में यही होगा ना भाई बुद्ध को सजदा कैसे करने दें कैसे अलाउ करते हैं हमारे यूथ को कि हम जाके बुद्धों के सामने देखना शुरू करते हैं जवाब जी 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 पहली बात तो ये है कि वकार साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं देखें जितनी टेक्नोलॉजी है साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की इस्लाम कभी हौसला शिकनी नहीं करता हौसला अफजाई करता है क्यादत करता है आगे बढ़ने का हुक्म देता है दुनिया के मामला में इजादात होनी चाहिए दीनी मामलात में इताथ और, इताथ और इबादत का तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए यही हमारा सुनहरा और खुशगवार माजी रहा है और इसी तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए हम खुद साइंस और टेक्नोलॉजी के फाउंडर और बाकायदा बानियान में शुमार होते हैं

के 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 जंगल मूड के अंदर सामने सामने मम्मी के सामने जो झुककर पावर हासिल करने वाला सीन था वो खत्म कर दिया गया है और जब चार महीने पहले जदीद लेटेस्ट न्यूज ये है जब वो खत्म कर दिया गया अब अबोरी टॉन का ये फतवा भी इसके ऊपर लागू नहीं होता ये जहन के अंदर रखिए और चाहिए नहीं की ये बात दुरुस्त है आ... कि हमें नई मालूम देनी चाहिए ये बात दुरुस्त है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस बंदे को पकड़ना जरूरी है ये बात मैं छोड़ूंगा नहीं और ये मैं आज बता रहा हूं जो जो बंदा इस्लाम के इमेज को बर्बाद करेगा मैं उसको बर्बाद करके रख दूंगा ये मजाक बना के रखा हुआ है हमारे मुफ्तियों का बना दिया के ये मुफ्ति बात करना चाह रही हूँ मुफ्ती साहब के मुफ्तियाने कराम काबिल अदब काबिल वो जो बात कर रहे होते हैं फिर तमाम लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं तो सर जिस बात का जवाब दिया जा रहा होता है उसी के क्या अच्छा नहीं है कि उसकी थोड़ी सी पहले तहकीक कर ली जाए फिर उसके ऊपर फतवा जारी किया जाए बिल्कुल आपने सही कहा तहकीक करनी चाहिए और आज जब मैं आपके सामने बैठ के इसके ऊपर राय दे रहा हूं तो मैं इस पर पीछे एक दो डेढ़ दो घंटे तहकीक कर चुका हूँ और चार अतराफ से इसके बारे में राय ले चुका हूँ मुख्तलि फतावा को ले चुका हूँ पबजी खेलने वाले जो हमारे नौजवान भाई हैं मैंने उनसे भी रब्ता किया उन्होंने बाकायदा यह बताया कि करोना के ज़माने में डेट तक मैंने पूछी है कि कब से सनहाग के जंगल मूड के अंदर से ये सीन खत्म कर दिया गया मुसलमानों के शदीद रबल की बुनियाद पर अब ये

सर आप नहीं समझते कि इन फतवों को रियासत के साथ मुंसलिक नहीं होना चाहिए कि रियासत इसका फैसला करे मैं आपसे सवाल करता हूँ कि रियासत के और हुकूमत के पहले से अंडर जो जो चीजें हैं क्या वो आइडियल सिचुएशन में है अब कहा जाता है कि मिसाल के तौर पर कई सारे मदरसों के बारे में एक ओपिनियन ये दी जाती है हकुमत के माता कर दो मैं आपसे सवाल करता हूँ काले पीले स्कूलों की हालत एजहार आपके सामने नहीं है इंतजामी उमूर के बारे में बात नहीं आग... हो रही मुफ्ती साहब जी फतावा की जहां तक बात है उसके बारे में भी यही है जिस तरह हम पी आई ए रेलवे दीगर अशिया दीगर जो इंतजामी मामला पहले से हकूमत के साथ रियासत के साथ मुंसलिक हैं हम जब उसके अंदर कोई आइडियल सिचुएशन में नहीं है तो फतवे के अंदर भी नहीं है और औकात एक बात जहन में रखिएगा कि हकूमत या रियासत के अंडर में करने से वो जो कलम हक कहने की जो हक का एक खास तौर पर मलक और खसूसियत है हमने देखा है तारीख गवाह है कि वो सिलसिला भी दब जाया करता है हाँ एक बात तो और मैं कहता हूं देखें इसका तो आप को करें ना, कि जहां कहीं पर कोई गलत बात, हुई वाजे हुई तो फिर इन्होंने गुंजाइश दी इसका मतलब जमूद नहीं है बल्कि इसका हुँ. मतलब ये कि आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हाँ हर चीज के अंदर इसलाह की और बेहतर से बेहतरीन करने की गुंजाइश मौजूद हुआ कर अब लेकिन अब मौलाना साहब एक, एक बात एक छोटी सी क्लियर कर दें एक छोटी सी बात क्लियर कर दें कि जो बंदा ये जाकर मौलाना साहब के कानों में भरता है कि ये चीज ऐसी है उसके लिए क्या सजा होगी अगर पता चले उसने शरारत की है या खुद उसको कोई चीज नहीं पसंद थी और हिस्ट्री इस चीज की गवाह है कि मुसलमानों से टेक्नोलॉजी छीनी गई और मैं एग्री करता हूं कि रियासत जो है जो रियासत तो हमारी ऐसी है जो मेहंदियों के डांस के ऊपर आज तक बैन नहीं लगा सकी बहन बेटियां नाच रही हैं उनको नहीं बोल सकी वो कहते हैं जी बाकी चीजें हम बैन कर देते हैं तो रियासत में नहीं हम मौलाना साहब पे ही डिपेंड करेंगे ये मेरा और हम सबका काम है जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि हर मदरसे में जाए हर फिक्के के मदरसे में जाए और उनसे ये कहें कि भाई यूट्यूब के ऊपर बैठ के आपने ये नहीं बोलना

बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं लेकिन हमारे यहाँ बसीरत अफराद मौजूद हैं ठीक बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार जका आप साथ मौजूद थे मुफ्ती जुबैर साहब आप साथ मौजूद थे आप दोनों का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्तितम को पहुंचा है नाजी इनशाला मुलाकात होगी आपसे कल अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिये अल्लाह के बान